यूपीएससी ACF यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर का जो एग्जाम हुआ था, यानी कि सहायक वन संरक्षक 2019 जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसके सॉल्व पेपर के बारे में। तो 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, जिसमें से जीके के थे 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन से मैथ्स प्लस रीजनिंग के। ठीक है, तो हम जीके के 100 क्वेश्चन डिस्कस अब करेंगे इस वीडियो में। तो आप यहां से लगा सकते हैं अनुमान कि आपके कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। और जहां तक कोशिश किया दोस्तों, मैंने आपको एक्यूरेट डाटा देने की दी है, और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो अभी तक नहीं आई है। यह एक एक्सेप्टेड आंसर की है जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है 100 क्वेश्चनों की, और मैं आपको बताऊंगा, सेट ए एक्सप्लेन करूंगा। इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल हम कहेंगे मॉडरेट, क्योंकि पोस्ट थी दोस्तों लेवल बी की, यानी कि पीसीएस लेवल की पोस्ट थी, उसी लेवल में जो ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो अच्छी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली जो पेपर इसका है मॉडरेट हम कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सेट ए का कि किस मूल अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों ओनली क्या है, भारत में रहने वाले लोगों को है, विदेशियों को नहीं है। और याद है आर्टिकल 19 में, ठीक है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल क्या है, भारतीयों को प्राप्त आर्टिकल हैं। तो उसमें से 19 वाला आर्टिकल हमारा आर्टिकल मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अभिलीय अधिकारी द्वारा कितना दंड प्राधिकृत है। तो ये है दोस्तों 500 से लेकर 10,000 तक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संसद बनी हुई है, तो भारतीय संसद किस किस से मिला के बनी है दोस्तों, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है भारतीय संसद, तो तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे या फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा प्रत्युचित नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा प्रत्युचित नहीं किए जा सकते, जबकि राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति, लोकसेवा आयोग के सदस्य और एडवोकेट जनरल को राज्यपाल मतलब प्रत्युचित कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है, तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो राज्य की विधान परिषद को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी, यानी कि भारत की आकस्मिक निधि कब स्थापित की गई थी, तो 1950 में दोस्तों भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन जो था दोस्तों 2002 में, उसके अकॉर्डिंगली शिक्षा को क्या हुआ था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था, और इसी के साथ नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया था। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न किसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2019 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। दसवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल जो होगा दोस्तों वो है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, एनके सिंह जी हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। 12वां प्रश्न है कि जनवरी 2019 तक यूरो जोन में कितने देश सम्मिलित हुए थे, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें हुए थे दोस्तों 19 देश शामिल हुए थे जनवरी 2019 तक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 13वां प्रश्न है कि किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की थी, तो ये दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आई थिंक इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि भारत में भी अभी एक पहली समुद्र रेल प्रारंभ हो रही है पश्चिम बंगाल से, लेकिन इंडिया यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आई थिंक फ्रांस हो सकता है इसका आंसर या फिर रसिया हो सकता है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा 13वां, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो क्रिस गेल है दोस्तों किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे थे, तो भारत के जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में कौन, सुधाकर सेट्टी जी, ऑप्शन ए राइट होगा 15वें का। 16वां प्रश्न है कि टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता कौन है, ठीक है, तो टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता है दोस्तों इगन बेरनॉल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से पुरुष सिंगल्स विंबलडन 2019 के विजेता कौन है, तो यह दोस्तों नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि औरंगजेब ने जजिया
कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया था या पुनः मतलब इसकी शुरुआत करी थी? तो किया था 1679 में, यानी कि 1679 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां कि कोलम संवत प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ था? तो 825 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था कोलम संवत, ऑप्शन सी राइट होगा। 20वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये कहलाता सन्निधाता, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका भी राइट होगा, राजकोष का शीर्ष अधिकारी कहलाता था सन्निधाता। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो ये सांची का मंदिर संख्या 17 दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? तो सिंगापुर से दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरानी, ठीक है। 24वां प्रश्न है कि 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 6 लोगों को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 24वें का। 25वां प्रश्न है कि किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26वां प्रश्न है कि भूकंप की उत्पत्ति का स्थान निम्न में से माना जाना जाता है? तो भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? नाभि कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? तो भूकंप के पश्चात ही सुनामी आती है, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है? तो हरिद्वार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। 29वां प्रश्न है कि ओभरा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ओबरा बांध बनाया जाता है उसको, कौन सी नदी पर बनाया गया? रिहंद नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 30वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केरल भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य है। 31वां प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किस किसके मध्य स्थित है? तो भारत और चीन के मध्य स्थित है दोस्तों मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला 32वां प्रश्न कि कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? ठीक है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र दोस्तों धान का कटोरा नाम से जाना जाता है, तो 32 का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न है कि शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफी फेमस है दोस्तों, कावेरी नदी पर स्थित है शिवा समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट है। 34वां प्रश्न है कि मेलकाइट खनिज है, किसका खनिज है दोस्तों? तो तांबे का, तो 34वें का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न है कि उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व धातुओं में पाया जाता है? ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट दोस्तों हड्डियों और धातुओं में पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक या फिर पॉलीमर नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर नहीं है, तो प्लास्टिक दोस्तों एक प्राकृतिक बहुमत या पॉलीमर नहीं है। 37वां प्रश्न है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? तो फ्लोराइड प्रदूषण किसे प्रभावित करता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो किसमें दोस्तों? इसका बी या डी में से एक होगा, आई थिंक डी इसका राइट आंसर होगा, जनन द्रव्य डीएनए में, तो मतलब डीएनए में ही होता है लेकिन एग्जैक्टली दैहिक में होता है जनन में होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजेल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो यह है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन ए 30वें का हमारा राइट आंसर 39वें प्रश्न का हो जाएगा, जो कि 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजेल्स द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। 40वां प्रश्न है कि पहला टॉक्सेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? तो दोस्तों तंबाकू का पौधा था पहला टॉक्सेनिक उत्पादित पौधा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि पोलियो की बीमारी किसके कारण होती है? तो पोलियो दोस्तों होता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला दही में बैक्टीरिया बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस स्पेसी, ये जो बैक्टीरिया है पाया जाता है किसमें? दही में अत्यधिक मात्रा में। 43वां प्रश्न है कि ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है? तो अंटार्कटिका में दोस्तों ओजोन परत पर छेद का स्थान अधिकतम है, ऑप्शन नंबर डी 43वें का हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला 44वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? तो ये मानी गई है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। वैसे H2SO4 भी जिम्मेदार मानी जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। 45वां प्रश्न है कि एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है दोस्तों सुपोषण, आई थिंक सुपोषण होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के निकटतम है? देखिए सभी इंग्लिश में ऑप्शन दे दिए, तो यह होगी दोस्तों ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्षोभमंडल भी कहते हैं, ठीक है। अगला 47वां प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें होता है दोस्तों मेथाइल आइसोसाइनेट का उत्पादन या रिसाव हुआ था। देखिए आप दोनों ऑप्शन सेम ही है, एक मेथाइल आइसोसाइनाइड है, एक आइसोसाइनेट है, ठीक है, तो आई थिंक मेथाइल आइसोसाइनेट था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होना चाहिए। 48वां प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द या नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था दोस्तों किसने?
अर्नस्ट हैकल ने, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन करता है, तो नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों क्या, जैविक क्षमता, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि सामान्य वर्षा के जल का पीएच कितना होता है, तो ये होता है 5.6, अम्लीय होता है ना। 51वां प्रश्न है कि सौर सेल की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित होती है, तो ये होती है दोस्तों तापी उत्सर्जन पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 51 का राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसात या पाचित होते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा रूप होगा जो उसी रूप में आत्मसात या पाचित होता है, तो ये शायद दोस्तों वसा या सरकरा में से एक है, ठीक है, इसका ऑप्शन, तो आप एक बार इसे भी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है बायो का। 53वां प्रश्न है कि भूगर्भी स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीनोजोइक युग में दोस्तों मानव की उत्पत्ति हुई थी ऐसा माना जाता है। अगला 54वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, और बाकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। 55वां प्रश्न है कि पूरा जलवायु या फिर पेलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, वृक्ष वलय द्वारा और झील के निक्षेप द्वारा, बर्फ सालो या कोर द्वारा, तो इन सभी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन था, तो मेंस का पूछा गया तो वो था दोस्तों इंग्लैंड, काफी रोचक विश्व कप हुआ था। 57वां प्रश्न है कि डॉप्सन यूनिट निम्न में से किसको मापता है, तो ओजोन परत की मोटाई को नापता है डॉप्सन यूनिट। 58वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय जोन में स्थित है, तो सर्वाधिक सक्रिय जोन है दोस्तों जोन 5, तो इसमें कौन सा है, बागेश्वर और चमोली, ठीक है, इसमें टोटल हमारे दोस्तों 6 जनपद आते हैं, कौन कौन से, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, ठीक है, तो ये 6 जनपदों में अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बागेश्वर और चमोली में बनता है अत्यधिक संवेदनशील जोन, यानी कि जोन 5। 59वां प्रश्न है कि गुजरात के मोरबी डैम या जलाशय में फटने की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का राइट होगा 1979 में, यानी कि 1979 में। 60वां प्रश्न है कि चेर्नोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी, तो ये परमाणविक आपदा थी या फिर नाभिकीय आपदा थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 61वां प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष से कार्यान्वयन में आया था, तो 2005 से आया था दोस्तों, ठीक है, 23 दिसंबर 2005 से लागू हुआ था क्या, आपदा प्रबंधन एक्ट। 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक साधारण कांच कौन से प्रकार का है, ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। 63वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि का तकनीकी नाम क्या है, तो निकट दृष्टि उसका तकनीकी नाम है दोस्तों मायोपिया, ठीक है, क्या है, मायोपिया। 64वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत की सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है, तो भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है दोस्तों कानपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 65वां प्रश्न है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है, तो त्रुटि फॉल्ट वॉल्ट को दिखाता है, बग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील दो ही विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर क्या है दोस्तों, मोजिला फायरफॉक्स, जैसे दोस्तों गूगल भी वेब ब्राउजर कहलाता है, या फिर ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, और ऐसे ही मोजिला फायरफॉक्स भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। अगला 68वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है, तो ट्रांसमिशन माध्यम दोस्तों इसमें से माइक्रोवेव सिस्टम नहीं होगा, जबकि मॉडेम, कोएक्सियल केबल और टेलीफोन लाइन तीनों ट्रांसमिशन या संप्रेषण माध्यम हैं। 69वां प्रश्न है निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। 70वां प्रश्न है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, तो वर्तमान में दोस्तों 9 हो गए हैं, ठीक है, वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। 71वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं, तो HTTP का प्रयोग करके वेब पेज बनाते हैं। देखिए आप कभी भी वेब पेज पे जाएंगे तो HTTP/ इस टाइप से आगे बढ़ते हैं ना, तो HTTP। 72वां प्रश्न है कि एक बाइट निम्न में से किसके तुल्य होती है, तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, ऑप्शन सी राइट। 73वां प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों केपलर ने, केपलर ने ग्रहों के गति के संबंधित नियमों की खोज की थी। 74वां प्रश्न है कि एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है, तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन से ए सही होगा कि इसका आवर्तकाल इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 75वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक 1। 76वां प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1962 में। 77वां प्रश्न है कि हेली को धूमकेतु या हेली का धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया था, तो वर्ष 1986 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 78वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर
निर्भर रहती है। तो यह है दोस्तों वायरलेस, ठीक है, यह रेडियो सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है, ऑप्शन ए राइट होगा। 79वां प्रश्न है कि चेन्नई में सितंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए 2 रजत पदक किसने जीते थे? तो ये जीते थे दोस्तों प्रेम कुमार ने, ऑप्शन ए राइट होगा 79वें प्रश्न का। 80वां प्रश्न है कि एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी दी थी वह कौन है? वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक योगेंद्र राणा जी। 81वां प्रश्न है कि कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल जनपद में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न है कि मिस दीवा 2018 का खिताब किसने जीता था? तो मिस दीवा 2018 का खिताब जीता था नेहल चुड़ासमा ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 83वां प्रश्न है कि कत्यूरी शासकों की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कार्तिकेयपुर। 84वां प्रश्न है कि टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र शाह, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85वां प्रश्न है कि सिंधु श्री खुल्लर के बाद किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया गया? तो कौन है वर्तमान समय में? अमिताभ कांत जी हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 86वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों हिमालयन पार भ्रंश रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। MBF कहा जाता है, ठीक है, इसे मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, इस टाइप से। अगला 87वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो उत्तराखंड में दोस्तों जल विद्युत पाई जाती है, अनेक नदियां पाई जाती हैं, तो इसलिए जल विद्युत ऊर्जा उत्तराखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। 88वां प्रश्न है कि वंदे भारत योजना का संबंध किससे है? तो गर्भवती महिलाओं से है वंदे भारत योजना का संबंध। 89वां प्रश्न है कि मालपा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो भूस्खलन की घटना हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों? तो यही थी अगस्त 1998 में, ऑप्शन बी 89वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है कि भारत के 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारण किया गया था? तो क्या था दोस्तों? वन आच्छादन हेतु, ठीक है। इसमें उत्तराखंड का काफी गंदा रिकॉर्ड भी रहा था, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 91वां प्रश्न है कि भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों के पास केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी है? तो यह 1.05%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है? तो यह हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा का लिंगानुपात भारत की तुलना में अधिक है। 93वां प्रश्न है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कब? 2006 में। 94वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश 2018 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता था? तो ये था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 95वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब से लागू की गई थी? तो अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 96वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा राशि कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 2 लाख, तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 97वां प्रश्न है कि निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? तो ये होगा दोस्तों राष्ट्रपति, देखिए आपातकाल के टाइम पे मौलिक अधिकार रुक जाते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 98वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की शक्ति किसके पास है? तो यह भारतीय संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 99वां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मेन उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी दोस्तों, प्रशासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार की रोकथाम, कार्यकुशलता और जिम्मेदारी का संवर्धन, सभी क्या है? RTI एक्ट 2005 के उद्देश्य है। और आपका 100वां प्रश्न है आज का कि निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आंकलन करती है? तो ये करती है NSSO, ठीक है, NSSO एजेंसी दोस्तों भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आंकलन करती है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, बाकी जो आप बचे आपके 50 क्वेश्चंस मैथ्स के दोस्तों, वो हम शाम तक या रात तक आपको सॉल्व करा देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और साथ ही अगर आपके 90 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी के लिए बैठ सकते हैं अभी से, और अच्छी तरह मेंस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।